हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का सिलेबस। सो उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या क्या सिलेबस में डिडक्ट हो गया है, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली, अगर जिसके पास न्यू बुक्स हैं उसमें जो आपका सिलेबस है वो पूरा ही पूरा जो आपका 2023 एंड 24 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें वो ही गिवन है आपका। मीनवाइल, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं या फिर जो अपने भाई बहन कि सबकी बोरो कर रहे हैं बुक्स, उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका सिलेबस गिवन है, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप उस बुक में सिलेबस ढूंढने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। सो आपका सिलेबस में फर्स्ट यूनिट आती है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, इट विल कैरी 25 मार्क्स और इसमें आपके चैप्टर्स आएंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, थर्ड चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड फोर्थ चैप्टर आएगा आपका कार्बन इन इट्स कंपाउंड। ये आपके चारों के चारों चैप्टर्स कम्प्लीटली जितना बुक में गिवन है सब कुछ इसमें प्रेजेंट है और सारा के सारा सिलेबस में आ रहा है, इसमें से कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं हुआ है। पुरानी बुक में एक और चैप्टर है, तो चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो आपका जो चैप्टर है वो आपका अब डिडक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका यूनिट जो सेकेंड है, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका सेम 25 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसमें आपका चैप्टर आएगा फिफ्थ लाइफ प्रोसेस, चैप्टर सिक्स आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर सेवन्थ आएगा रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर एट आएगा आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपका चैप्टर में सब जो हेरिडिटी पार्ट है वो ही आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। इवोल्यूशन आपका जो चैप्टर का पोर्शन है वो काफ़ी पहले ही डिडक्ट हो चुका था और अब 2023 एंड 24 के एग्जाम्स में भी ये आपका पोर्शन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट थर्ड, विच इज नेचुरल फिनोमिना, ये आपका टोटल 12 मार्क्स का है। इसमें आपके चैप्टर आते हैं चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट आता है चैप्टर 10 जो इसी सेम में इंक्लूडेड है, दैट इज ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। सेम नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड आपका जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस पर बेस्ड है। लास्ट आपकी यूनिट है जो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपकी है 5 मार्क्स की, सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, ईजिली बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। तो टोटल ऐसे आपके करके जो टोटल है 80 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपके इस असेसमेंट में। 20 मार्क्स आपके इसमें इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जिससे आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।